इंग्लैंड और भारत के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में से दो मैच हो चुके हैं और अब इंतजार है तीसरे मैच का। और तीसरे मैच की प्लेइंग 11 कैसी होगी, कैसी टीम होगी, इसका अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन ये लगातार जो देरी हो रही है टीम का ऐलान करने में, टीम को डिसाइड करने में, ये लगातार देरी किस वजह से हो रही है? अगर आपको लगता है कि ये देरी विराट कोहली की वजह से हो रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये देरी हो रही है केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा की वजह से। आखिरकार इन तीनों की वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि अभी तक चयनकर्ता जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार टीम में किस किस को लेना है। हम आपको बता दें कि पहले ये कहा जा रहा था कि एक वर्चुअल मीटिंग होगी चयनकर्ताओं की और उसके जरिए ये तय किया जाएगा कि आखिर टीम कैसी होगी। और इस वर्चुअल मीटिंग में खुद रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ भी अपनी सजेशंस जो हैं वो दे पाएंगे। हम आपको बता दें कि अगर आप विराट कोहली पर अभी भी आपको संशय लग रहा है तो ये अब लगभग साफ हो गया है कि विराट कोहली तीसरा मैच भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो लगातार विराट कोहली के संपर्क में है और बीसीसीआई को ये पता है कि आखिरकार विराट कोहली कब वापस लौटेंगे। हालांकि वो तारीख अभी बीसीसीआई ने उसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि विराट कोहली जो है इस सीरीज़ का तीसरा और चौथा मैच भी नहीं खेलेंगे। और रही पाँचवें मैच की बात, तो पाँचवें मैच को वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर भी संशय लगातार बना हुआ है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि इस टेस्ट सीरीज में से, जो इंग्लैंड और भारत की टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज का हिस्सा जो है विराट कोहली नहीं रहेंगे। अब देरी जो हमने आपको पहले कहा कि देरी हो रही है रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल की वजह से, तो वो इसलिए क्योंकि ये जो मैच है इसमें हफ्ते भर का अभी समय है, तो चयनकर्ता नहीं चाहते कि आनन फानन में किसी भी तरह से कोई भी टीम बना ली जाए, इसलिए वो समय दे रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि तीसरे मैच जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया जाएगा, उन्हें आराम दिया जाएगा, लेकिन अब चयनकर्ता चाहते हैं कि राजकोट के मैदान में जसप्रीत बुमराह दिखें, क्योंकि ये जो मैदान है ये बल्लेबाज के अनुकूल है। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह फॉर्म में भी है, तो जसप्रीत बुमराह जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, और एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का जो जलवा है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए चयनकर्ता चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है तीसरे मैच में भी खेले। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के साथ इंजरी प्रॉब्लम्स है और वो एनसीए में फिट हासिल कर रहे हैं, हालांकि फिटनेस रिपोर्ट आना बाकी है। और अगर फिटनेस रिपोर्ट बिल्कुल सही आती है तो यह तय है कि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा अगले मैचेस का हिस्सा होंगे, जो लगभग ऐसा ही लग रहा है। यानी कि अभी टीम इसलिए नहीं बनाई जा रही है क्योंकि जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, और लगभग ये माना जा रहा है कि इस मैच का हिस्सा भी जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा होंगे। तो क्रिकेट ज्ञान के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी के वीडियोज के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान।